स्पीड न्यूज का और खबरों को देखते फटाफट अंदाज में। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आज भी लगा मंत्री दरबार। वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई ने जनसुनवाई की, फरियादियों के सुने अभाव योग, समस्याओं के जल्द निपटारे के दिए आदेश। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आज पंचायती राज संस्था में हुआ राज्य स्तरीय कार्यक्रम। खाद्य मंत्री रमेश मीणा ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। विशिष्ट अतिथि के रूप में मंत्री सुखराम बिश्नोई ने की कार्यक्रम में शिरकत। प्रदेश में न्याय की आस लगाए बैठे उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर खाद्य मंत्री रमेश मीणा ने बड़ी घोषणा की है। अल्प आय वर्ग बीपीएल समेत जरूरतमंद लोगों को सरकार मदद देगी। उपभोक्ता मामलों के केस लड़ने के लिए सहायता दी जाएगी। प्रति केस 1500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गृहनगर कोटा प्रवास पर रहे, जहां उन्होंने निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। सीपी ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में स्पीकर ओम बिरला ने स्टूडेंट्स को उपाधि दी। समारोह में विभिन्न विषयों में शोध करने वाले करीब 1100 स्टूडेंट्स को उपाधियां दी गई हैं। उपाधि पाने वालों में कजाकिस्तान, नाइजीरिया, अफगानिस्तान सहित कई विदेशी स्टूडेंट मौजूद रहे। इस दौरान ओम बिरला ने कहा कि कड़े परिश्रम के बाद ये अवसर स्टूडेंट्स को मिलता है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी अपने राजसमंद प्रवास पर रहे, जहां नाथद्वारा में रिलमगला क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया और कई कार्यक्रमों में शिरकत की। विधानसभा अध्यक्ष ने रेलमगरा, सालोर, बिजनौर में जनसुनवाई की और लोगों की समस्याओं को सुना। अधिकारियों को तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए। तय समय पर ही होगी शिक्षक भर्ती परीक्षा। राज्य सरकार ने लिया फैसला, शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि नहीं बढ़ेगी आगे। 3000 पदों के लिए सितंबर में होगी एक और भर्ती। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भरतपुर में अधिकारियों की बैठक ली। जिला कलेक्टर सभागार में हुई मीटिंग, बाजार दर निर्धारण समिति की हुई बैठक, जिला कलेक्टर नथमल डिटेल सहित कई अधिकारी रहे मौजूद। जैसलमेर में मंत्री सालेह मोहम्मद की अनूठी पहल, एक चिकित्सा कर्मी के आवास पर पहुंचे मंत्री। कैलाश छगाणी की पौत्री का जन्म पर बजाई थाली, कहा लड़कों लड़कियों में भेद समाज के लिए अभिशाप। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष अमीन खान रहे साथ। अजमेर के ब्यावर के जंगलों से वन विभाग ने अच्छी खबर दी है। 5 पैंथर शावकों को वन विभाग के कर्मचारियों ने कैमरे में कैद किया है। पैंथर फैमिली का कुनबा बढ़ा है। शिक्षा विभाग अब हाईटेक होने जा रहा है। विभाग में कार्यों को ऑनलाइन करने की कवायद तेजी से चल रही है। नए साल में 1 जनवरी से शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज होगी। शिक्षा मंत्री की घोषणा के अनुसार ऑनलाइन उपस्थिति की प्रक्रिया चल रही है। शिक्षकों को रजिस्टर में पहले की तरह अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी, लेकिन उसकी उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करने की जिम्मेदारी संस्था प्रधान की रहेगी। संस्था प्रधान शाला दर्पण पोर्टल पर लॉगिन कर पूरी जानकारी ले पाएंगे। ये रिपोर्ट रोजाना भरी जाएगी। शिक्षा विभाग के कार्यों को सरल बनाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जयपुर बार की ओर से हुआ चाय पर चर्चा कार्यक्रम। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस एम एन भंडारी ने शिरकत की, अधिवक्ताओं से मुलाकात की। डीजीएसके जैन, बार अध्यक्ष अनिल चौधरी, महासचिव सतीश शर्मा ने जस्टिस भंडारी का स्वागत किया। प्रतापगढ़ एसीबी टीम ने बांसवाड़ा में कार्रवाई की है। सज्जनगढ़ थाने के हेड कांस्टेबल को 500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एक हफ्ते में इस मामले में कार्रवाई नहीं करने के एवज में आरोपी ने घूस ली है। बीकानेर के सुजान देसर इलाके में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नाले को लेकर काफी दिनों से लोग परेशान है। बारिश के दिनों में घरों में पानी घुसने से लोगों को परेशानी रहती है और इसी को लेकर कलेक्टर यूआईटी सचिव सुजान देसर पहुंचे, जहां कलेक्टर ने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर और छात्रों के साथ एक कमेटी बनाई जाएगी जो इस पानी की निकासी के लिए कोई अच्छा मॉडल सुझाएगी। कलेक्टर के पहुंचने पर सारे लोगों ने अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा और समाधान को कहा। जौनपुर 6 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी महेंद्र उर्फ धोलिया को कोर्ट में किया गया पेश। जांच अधिकारी ने पॉक्सो कोर्ट में पेश किया चालान। भारी सुरक्षा के बीच आरोपी को लाया गया कोर्ट। सिरोही के आबू रोड में मुंगथला मार्ग पर तलवार नाका के पास पलटी निजी बस। बस में सवार करीब 40 यात्री घायल हुए। मौके पर पहुंचे लोगों ने यात्रियों को बस से बाहर निकाले। एक स्वाट एम्बुलेंस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जैसलमेर के पोखरण नाचना मार्ग पर यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में करीब 25 लोग घायल हुए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सभी घायलों का इलाज जारी है। गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर भी रेफर किया गया। श्रीगंगानगर में रावला मंडी में बस ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, एक घायल है। गंभीर घायल बीकानेर रेफर किया गया। रावला थाना क्षेत्र के गांव 4 केपीडी के पास की यह घटना है। करौली के कैला देवी मार्ग पर गतका चौकी के पास एक प्याऊ के पानी में जहरीला पदार्थ मिलाने का मामला सामने आया। हालांकि किसी ने पानी नहीं पिया, जिसके चलते बड़ी घटना होने से चल गई।
पानी में जहर मिलाने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में डर का माहौल बन गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। फिलहाल इसे पंचायत चुनाव में द्वेषता के नजरिए से देखा जा रहा है और अभी तक पानी में जहर किसने मिलाया इसका पता नहीं चला है। पतंगबाजी का हमेशा जयपुर में क्रेज होता है, लेकिन इस बार बाजार में बैठे कारोबारी मायूस नजर आ रहे हैं। लगातार हो रहे हादसे, चाइनीज मांचे ने पतंगबाजों के उत्साह पर पानी फेर दिया। राजधानी के रामगंज इलाके के हांजीपुरा में पतंग और मांझे बड़ी तादाद में बनते और बिकते हैं, लेकिन इस बार यहां भी कारोबारियों से मायूसी नजर आ रही है। डूंगरपुर में बागड़ मजदूर किसान संगठन और मजदूरों ने कई मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। मजदूरों और किसानों ने रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पैसा एक्ट को धरातल पर लागू करने, नरेगा योजना में श्रमिकों का समय पर भुगतान करने, वनाधिकारी के तहत वन भूमि पर काबिज लोगों को खातिरदारी हक देने को लेकर प्रदर्शन किया। चूरू के सरदार शहर में केकेएससी कॉलेज में सोशल मीडिया पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने भाग लिया। इस दौरान सोशल मीडिया के सदुपयोग और दुरुपयोग पर राय रखी गई। सीएनआरसी पर बवाल जारी है। कोटा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने केंद्र सरकार के फैसले का विरोध करते हुए रैली निकाली। शहर में जुलूस निकालते हुए कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई, जहां गुस्साए लोगों ने इस कानून को वापस लेने की मांग की। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया। दुर्गापुर शहर के पातेरा निवासी एक दिव्यांग महिला पिछले 7 महीने से अपनी पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। इस वृद्धा का ना तो पति है और ना ही बेटा बेटियां, इस कारण पेंशन न मिलने के चलते काफी परेशान है। पेंशन के लिए वो रोजाना सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है। जैसलमेर में मई महीने में टिड्डियों ने किसानों की फसलों पर हमला करना शुरू किया था और 7 महीने बीत जाने के बाद भी केंद्र और राज्य सरकार टिड्डियों पर नियंत्रण नहीं कर पाई है, जिसके चलते किसानों की लाखों रुपए की फसलें चौपट हो गई। ऐसे में जिले में तैनात अधिकारियों की लापरवाही और उदासीनता से किसान परेशान है। कई बार टीमें समय पर नहीं पहुंचती और कई बार अधिकारी फोन तक नहीं उठाते। प्रभारी अधिकारी राजेश कुमार के मुताबिक अब तक 1.77 लाख हेक्टेयर पर नियंत्रण की कार्रवाई की गई है, जबकि धरातल पर यह स्थिति है कि किसानों की फसलें बचाने में ये विभाग पूरी तरह से नाकाम रहा। झुंझुनू के सिंघाना क्षेत्र के गुजरवास ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 3 वाल्मीकि बस्ती के रहने वाले मदनलाल को मदद की दरकार है। पिछले 20 महीने से चलने फिरने में असमर्थ होने के चलते मदनलाल चारपाई पर पड़ा रहने को मजबूर है और ऐसे में घर में फाके की भी नौबत आ गई। पीड़ित मदनलाल के दोनों हाथ पैर काम नहीं करते और ऐसे में पीड़ित की पत्नी घरों में झाड़ू पोछा परिवार का पेट पाल रही है। इतना ही नहीं बल्कि पैसे के अभाव में बच्चों की पढ़ाई तक छूट गई। नागौर जिले के धनकोरी गांव के निवासी बुजुर्ग दंपति ने जिला प्रशासन से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और आवश्यक कार्रवाई की। इस दंपति को उनकी बहू ने घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे में दबाव के सहारे जीवन की गाड़ी खींच रहे बुजुर्गों ने कोई सहारा न होने पर भीषण सर्दी में मंदिर को ही आशियाना बनाया। लड़खड़ाते कदमों से बुजुर्ग दंपति एसडीएम के पास गुहार लेकर पहुंचे। जब वो काफी देर तक नहीं मिले तो उन्होंने तहसीलदार को अपनी पीड़ा सुनाई और कार्रवाई न होने पर इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई। इस पर तहसीलदार मौलासर थानाधिकारी के साथ बुजुर्ग दंपति को लेकर घर पहुंचे और बहू को पाबंद करते हुए उसका गृह प्रवेश करवाया। पुलिस ने बहू को बुजुर्ग दंपति का ध्यान रखने के साथ ही उनका भरण पोषण करने के लिए पाबंद किया। यूरी टैक्स बकायेदारों पर जयपुर नगर निगम की कार्रवाई, आधा दर्जन से अधिक प्रॉपर्टी की गई है कुर्क, मानसरोवर, मोती डूंगरी और हवा महल जोन में हुई कार्रवाई। आयुक्त बीपी सिंह के निर्देशों के बाद हुई कार्रवाई। धौलपुर में फांसी के फंदे पर झूले मां बेटे, मौत के कारणों का नहीं हुआ खुलासा, पंचगांव चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। जैसलमेर में अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, फलसुन पुलिस ने चोर गिरोह के 2 चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी की 12 बाइक की बरामद, आरोपियों ने जैसलमेर, ओसियार, जोधपुर, अहमदाबाद, सांचौर सहित कई जगह कबूली वारदातें। अजमेर में एसओजी ने किया एमजी तस्करों को कोर्ट में पेश, अजमेर एनजीपीएस कोर्ट में किया गया 4 आरोपियों को पेश। एटीएस और एसओजी ने 4 आरोपियों से बरामद किया था 10 करोड़ का मादक पदार्थ। अलवर में जयपुर रोड पर नटनी का बारा से कुशालगढ़ तिराहे तक सड़क पर जानवरों के अवशेष फैले हैं। स्थानीय लोगों ने अवशेष मिलने पर विरोध भी जताया तो गौवंश के अवशेष होने की आशंका भी जताई। हालांकि विरोध के साथ ही वाहन चालकों के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना भी बढ़ गई है। लोगों को आशंका है कि अवशेषों को किसी गाड़ी में भर कर लाया गया था, जिन्हें आज सड़क पर फैला दिया गया था। अवशेष गाड़ी से गिर गए। बैरोड के सामुदायिक भवन में भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर और विधायक बलजीत यादव ने सीएलजी सदस्यों की बैठक ली। बैठक में अतिक्रमण और पार्किंग की समस्या छाई रही। एसपी ने किसी भी प्रकार के अपराध और बदमाशों की जानकारी देने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया। जयपुर कमिश्नरेट पुलिस की नई पहल, अपराधियों पर लगाम लगाने और सोशल मीडिया पर अफवाह की तस्दीक करने के लिए जारी किया व्हाट्सएप नंबर। जयपुर आयुक्तालय और जयपुर ग्रामीण पुलिस ने जारी किया अपना व्हाट्सएप नंबर।
बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल जोधपुर दौरे पर रही हैं। उन्होंने महिला पीजी कॉलेज में आयोजित महिला एवं बाल विकास सेमिनार में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कॉलेज परिसर में बेस्ट मटेरियल को उपयोग में लेकर बालिकाओं शिक्षकों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। सेमिनार में बेनीवाल ने छात्राओं को मोटिवेट करते हुए बताया कि छात्राएं किसी से कम नहीं है। आत्मविश्वास के जरिए लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद कोई भी ऐसा काम नहीं है जो महिलाएं नहीं कर सकती। इस दौरान महिलाओं में होने वाले विभिन्न रोगों को लेकर आवश्यक जानकारी भी छात्राओं को दी गई। झुंझुनू के कोलीडा का बास गांव निवासी सोनू रणदीप की बॉलीवुड में एंट्री मारी है। वो G5 की वेब सीरीज टोरंटो ब्लैक 26/11 में नजर आएंगे। ये वेब सीरीज 26 जनवरी को G5 पर रिलीज होने जा रही है, जो मुंबई में हुए 26/11 के हमले पर बनी है, जिसमें सोनू लीड रोल निभा रहे हैं। इस वेब सीरीज में सोनू आतंकवादियों के टीम लीडर इस्माइल खान की भूमिका अदा कर रहे हैं। 45-45 मिनट के इस वेब सीरीज के 8 एपिसोड आएंगे, जिनकी शूटिंग मुंबई, नागपुर और कश्मीर में हुई है। बूंदी के तालाब गांव में अंधविश्वास का नमूना देखने को मिला, जहां के एक युवा की 3 महीने पहले नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इसके बाद तांत्रिक के कहने पर परिजन उसकी आत्मा को लेने हाईवे पर जा पहुंचे और करीब 45 मिनट तक तेज रफ्तार से गुजर रहे वाहनों के बीच जादू टोना करते रहे। इसके बाद तांत्रिक एक दीपक को मृतक की आत्मा बताकर उन्हें वहां से ले गया। जब इस अंधविश्वास को लेकर मृतक के परिजनों से बात की गई तो उनका जवाब भी हैरान करने वाला रहा। नैनवा एसडीएम कैलाश चंद गुर्जर को एयरगन से फायर करना महंगा पड़ गया। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए एसडीएम को निलंबित कर दिया है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार उनके इस आचरण को अशोभनीय मानते हुए तत्काल निलंबित किया गया। एसडीएम कैलाश गुर्जर ने नैनवा के कचरावता गांव के पास निर्माणाधीन पेट्रोल पंप पर फायरिंग की थी, जिसके बाद इलाके के लोगों में दहशत का माहौल देखा गया। जांच टीम नैनवा पहुंची, जहां उपखंड अधिकारी कैलाश गुर्जर ने बताया कि वो शौकिया तौर पर निशाना लगाना सीख रहे थे। किशनगढ़ में अजमेर रोड स्थित एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाने के बाद ट्रैक्टर का इंजन सीज होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है ट्रैक्टर चालक पेट्रोल डलवाने के बाद थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि ट्रैक्टर बंद हो गया। इसके बाद वो दूसरे वाहन की मदद से ट्रैक्टर को पेट्रोल पंप लेकर पहुंचा, जहां उसने डीजल टैंक खोला तो डीजल के साथ पानी भी निकलने लगा। इस पर उसने पेट्रोल पंप पर जमकर हंगामा किया। बाद में पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने अपने स्तर पर ट्रैक्टर ठीक करवाने का आश्वासन दिया, तब मामला शांत हुआ। जोधपुर में ज्वेलरी कारोबारी को ब्लैकमेल कर करीब 1.5 करोड़ रुपए और जेवरात हड़पने वाली लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसे कोर्ट ने एक दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा है। लड़की के खिलाफ सीएचबी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें पीड़ित ने बताया था कि लड़की ने उसे नशीला शरबत पिलाकर स्टील फोटो खींच ली और फिर झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 1,40,00,000 रुपए और 750 ग्राम सोने के जेवरात ऐंठ लिए। मधुपुर के सेवर में लड़की की आत्महत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है। परिजनों का कहना है कि कुछ लड़कों ने स्कूल से पेपर देकर आते वक्त लड़की को अपहरण कर लेने की धमकी दी थी, जिससे लड़की डिप्रेशन में आ गई और आत्महत्या कर ली, जिसकी जानकारी पुलिस को भी दी गई है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस बात पर परिजनों ने पोस्टमार्टम के दौरान जमकर हंगामा भी किया। जोधपुर के महिला पीजी महाविद्यालय के छात्राओं और शिक्षकों ने मिलकर एक ऐसा काम किया कि हर कोई चौंक गया। छात्राओं ने वेस्ट बॉटल, पाउडर के डिब्बे, परफ्यूम की शीशी को गिफ्ट आइटम में बदल दिया। कार्यक्रम में पहुंची राज्यपाल आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने कहा कि ये नवाचार अन्य संस्थाओं के उदाहरण हैं। इस दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मनोरमा उपाध्याय भी मौजूद रहे। प्रदेश में इन दिनों कड़कड़ाती सर्दी का असर जारी है, जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो मैदान में इसका सीधा असर देखा जा रहा है। सिरोही के मानचाबू में तो तापमान जमाव बिंदु के करीब पहुंच गया है, और ऐसे में सर्दी के बीच बाजारों में भी रौनक देखने को मिल रही है। सर्दी के अवकाश के बाद बड़ी संख्या में सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। वहीं पर्वतारोहण करने वाले बच्चों में भी उत्साह कम नहीं है, और वे सुबह के समय इस कड़कड़ाती ठंड के बीच पर्वतारोहण कर रहे हैं। प्रदेश में सर्दी का सितंबर करार है। ठंडी हवाओं और कोहरे के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झालावाड़ में भी कोहरे के चलते लोग परेशान हैं, खासकर वाहन चालकों को ज्यादा परेशानी हो रही है। करौली में भी सर्द हवाओं और कोहरे के चलते लोग ठिठुरने को मजबूर है। वाहन चालकों को दिन में भी लाइट जलाकर वाहन चलाने पड़े। सर्दी के बचाव के लिए लोग घरों में ही दुबके नजर आए, पर जगह जगह अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। बैरोड में शीतलहर और कोहरे का सितम बना हुआ है। कोहरे के चलते वाहन चालकों को खासा परेशानी हो रही है। वहीं सुरक्षा को लेकर हाईवे और पुलिस पेट्रोलिंग टीम लगातार गश्त कर रही है। कड़ाके की ठंड और कोहरे से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बारा के किलवाड़ा में मौसम ने अचानक पलटा खाया और यहां मावट का दौर शुरू हुआ है। इस हल्की बारिश से जहां किसानों के चेहरे पर खुशी नजर आई, तो वहीं दूसरी ओर तापमान में गिरावट होने से सर्दी के तेवर जरूर तीखे हो गए। बारा में आदिवासी अंचल क्षेत्र में बेमौसम बारिश के कारण सर्दी ने तेजी पकड़ ली है। यहां शाहबाद में हुई रिमझिम से तापमान में गिरावट आई, लोग ठिठुरने को मजबूर हो गए। वहीं मावट से किसान खुश हो गए।
दौसा में ठंड के तीखे तेवरों के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। आज शीतलहर और कोहरे के चलते सर्दी का सितम लोगों को परेशान कर रहा है। वहीं घने कोहरे के कारण वाहन चालक खासा परेशान। सीए पर बवाल के बीच एनपीआर अपडेट को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। ऐप के जरिए होगी एनपीआर के लिए जनगणना। कई अहम मसलों पर कैबिनेट बैठक में हुआ मंथन। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बोले एनपीआर अपडेशन के लिए केंद्र ने 3,941.35 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। प्रक्रिया के दौरान नहीं होगी किसी दस्तावेज या बायोमेट्रिक की जरूरत। अटल जल योजना के लिए केंद्र ने 6,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। 6 राज्यों को मिलेगा योजना का लाभ। किसानों की आय को दोगुना करना है सरकार का लक्ष्य। जल्द हो सकता है देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ऐलान। आर्मी चीफ बिपिन रावत के नाम पर नाम सबसे आगे चल रहा है। गृह मंत्रालय इसका ऐलान करेगा। नई थमराह सीए का विरोध। दिल्ली में जामिया के छात्रों का प्रदर्शन। मंडी हाउस से संसद मार्ग पर मार्च निकाला गया। छात्रों के मार्च को लेकर प्रशासन अलर्ट है। मंडी हाउस इलाके में धारा 144 लागू है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सीआरपीएफ की निगरानी। कोलकाता में टीएमसी के हुंकार। ममता बनर्जी ने निकाला सीए के खिलाफ विरोध मार्च। हजारों लोगों ने लिया हिस्सा। पैदल मार्च के बाद ममता बनर्जी की रैली। सीए को बताया संविधान विरोधी। कहा बंगाल में नहीं लागू करेंगे सीए और एनआरसी। कोलकाता में सीए के विरोध के दौरान राज्यपाल धनखड़ को छात्रों ने दिखाए काले झंडे। राज्यपाल ने समझाया। कहा आप देश बचाओ प्रक्रिया के मुताबिक ही होगा काम। कर्नाटक के उपद्रवियों की तस्वीर जारी हुई है। मंगलौर में सीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई थी हिंसा। सीसीटीवी छेड़छाड़ करते दिखे आरोपी। 15 दिसंबर की अलीगढ़ हिंसा का सीसीटीवी आया सामने। कैमरे में कैद हुए अमन के दुश्मन। सिलसिलेवार तरीके से भड़काई गई थी हिंसा। राहुल प्रियंका को मेरठ जाने से रोका गया। हिंसा पीड़ितों से करने जा रहे थे मुलाकात। मेरठ में सीए के खिलाफ प्रदर्शन में भड़की थी हिंसा। यूपी में हालात समान। राजधानी लखनऊ में इंटरनेट सेवाएं बहाल। एहतियातन अभी भी धारा 144 है लागू। उन्नाव पीड़ित के परिजनों से मिला अखिलेश यादव। कहा यूपी में कानून व्यवस्था है फेल। हर मोर्चे पर नाकाम रही है योगी सरकार। और चलिए शिक्षा बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।